हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका GACS जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाई जेबी सर। चलिएगा बच्चों, देखो आज के इस शॉर्ट लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले सिग्मा मेटाथीसिस, और बच्चों इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल कवर करवाऊंगा। इसी में पहले कॉन्सेप्ट समझना और फिर उस सवाल को देखना, सही है। देखो सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो हमारे पास, मान लीजिएगा अगर मैं सिंपल रिएक्शन कंसिडर करता हूँ एक यहाँ पे, कि क्या है एक्चुअल में जब हमारे पास, लीजिएगा इसका कॉन्सेप्ट समझना, मान लीजिएगा हमारे पास ये मेटल है, मेटल के साथ कोई हमारे पास आर ग्रुप लगा हुआ है, सही है। हमने इसको ट्रीट करवाया आर डैश एच के साथ, सही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए, जनरली यहाँ पे एल एन एम इसके साथ आर डैश चला जाए प्लस, और जो आर ग्रुप मेटल के साथ था इसके साथ ये हाइड्रोजन चला जाए। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है जहां हमारे पास सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है। ध्यान दीजिएगा, देखो हो क्या रहा है, हमारे पास मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ जो ग्रुप लगा हुआ था उसकी जगह हमारे पास दूसरा ग्रुप अटैच हो गया आर डैश, और इस वाला जो हाइड्रोजन था वो हमारे पास मेटल के ग्रुप के साथ जुड़ गया है, सही है। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है। अगर इसके मैकेनिज्म की हम बात करें बच्चों, तो जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा। ये कहा जाता है सबसे पहले जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स था एल एन मेटल के साथ आर ग्रुप लगा हुआ था, इसके साथ हमारे पास ये आर डैश एच ग्रुप हमारे पास आएगा। आपसे पूछ ले रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होती है, तो बच्चों यहां पे सबसे पहले क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हालांकि सी एच बॉन्ड एक्टिवेशन रिएक्शन आपने ऑक्सीडेटिव एडिशन पढ़ी, जहां सी एच बॉन्ड आपका ऐड हो जाता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे आर था, यहां पे ये आर डैश एच यहां पे हेप्टिसिटी दो में आके बाइंड करता है, और जैसे ही दो में बाइंड करेगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन जाती है, और जो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बनती है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो यहां पे आपके पास ये आर ग्रुप लगा हुआ था, ये हमारे पास इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन में जाता है, और ये जो हमारे पास इसके साथ आर डैश ग्रुप था ये मेटल के साथ इंटरेक्शन में चला जाता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, ध्यान दीजिएगा फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सिंपली नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एल एन एम इसके साथ तो आर डैश चला जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये जो आर एच जो था ये हेप्टिसिटी दो में जुड़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एल एन एम ये इसके साथ आर डैश था प्लस आर एच, यानी कि केवल और केवल हमारे पास दोनों सबस्ट्रेट में जो ट्रांसफर हुआ है वो हाइड्रोजन का हुआ है। देख सकते हो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये हाइड्रोजन हमारे पास इस ग्रुप के साथ लग गया है जो मेटल के साथ अटैच था, सही है। आओ बच्चों, इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं, लीजिएगा ध्यान दीजिएगा, स्कैंडियम है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे सिग्मा मेटाथीसिस का सवाल पूछता है तो ये एग्जांपल आप अपनी नोट में नोट कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में एज इट इज सवाल पूछा जा सकता है। और सवाल कैसे पूछेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, आपको ये रिएक्शन ही बना के दे देगा, आपसे कहेगा रिएक्शन बताइएगा कौन सी है, कहेगा ऑक्सीडेटिव एडिशन है, रिडक्टिव एलिमिनेशन है, ट्रांसमेटालेशन है, आपसे पूछ सकता है, या ऑयली फिनिक मेटाथीसिस है, या सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस है, क्या है। तो बच्चों इसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का ही इन्वॉल्व हुआ है, सही है, और रिएक्शन हमारी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू गई है, जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फ्रेमिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो रहा था कंसंट्रेटेड मैनर में, सही है। लीजिएगा यहां पे आपको मेंशन करके दे दे पीएच, और यहां पे कह दे बनाइएगा प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता है सर जी यहां पे हमारे पास एच है, सही है, तो इस रिएक्शन की अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं, देखो स्कैंडियम के साथ सीपी, स्कैंडियम के साथ सीपी, ये सी एस थ्री ग्रुप हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ हमारे पास ध्यान दीजिएगा समझना यहाँ पे क्या होगा, इस मेटल के साथ ये पीएच ग्रुप जाएगा, ये जुड़ेगा, लेकिन साथ साथ इस पोजीशन पे जो हमारे पास हाइड्रोजन जो लगा हुआ है
वो हमारा इस ग्रुप के साथ इंटरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो हमारे पास कुछ इस तरीके की बनेगी, सही है। तो फिर हमारे पास ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, सही है, ये जो ग्रुप हमारा मेटल के साथ लगा हुआ है इसके साथ चला जाएगा। प्रोडक्ट में हमारे पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, देखो स्कैंडियम के साथ दो सीपी लिगेंड हमारे लगे रहेंगे, सही है। चलिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये पीएच ग्रुप लग जाएगा, सही है, और यहाँ पे हमारे पास सी एच फोर बन जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन अब हमारा सी एच थ्री के साथ चला गया, सही है। बच्चों ये बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लेना, और मोस्ट प्रोबेबल अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यही मेंशन करके देगा, ये रिएक्शन आपको बना के दे देगा, पूछ लेगा बताइएगा ये कौन सी रिएक्शन है, सही है। तो यहाँ पे हमने केवल सिग्मा बॉन्ड का हमारा खेल हुआ है, सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग की है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, एंड दिस इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस, सही है। चलिएगा बच्चों, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे रैंक बूस्टर सीरीज में, आप पढ़ते रहिएगा अच्छे से, इन वीडियो को जरूर देखिएगा, और आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज यार इतना सा काम और कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो रैंक बूस्टर सीरीज है ये आपके हर टॉपिक को आगे तक लेके जाएगा, यानी कि हम कवर करेंगे कोशिश इन छोटे छोटे वीडियो से नए नए टॉपिक, आपके हर टॉपिक यानी कि जो भी आपका सिलेबस है हर टॉपिक से ऐसे वीडियो आपको देखने को मिले, ये लगातार चलता रहेगा, सही है। चलिएगा, और जिन भी बच्चों ने किसी प्रकार का स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा केमिस्ट्री बाय जेबी सर, वहाँ पे अलग से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों बैच अवेलेबल हैं, चाहे आप जैम के लिए पढ़ सकते हैं, गेट के लिए पढ़ सकते हैं, नेट के लिए पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।